नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों के मूल वेतन का घोषणा हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर पदों की घोषणा हो चुका है। फाइनल यहाँ शिक्षकों का मूल बेसिक पे की घोषणा हो चुका है और यहाँ पे पोस्ट बाय वैकेंसी भी देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल के कितने पद खाली हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 27/4/2023 के डेट में यहाँ पे घोषणा हो चुका है और फाइनली यहाँ पे आज ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कराए गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटे में 39,758 सृजित पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,185 पद और मरणशील हो गए हैं एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि में 5,534 एवं 1,745 सृजित पदों को प्रत्यारोपित करते हुए 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रण विद्यालय के मूल कोटि में 85,477 पद एवं 6 से 8 तक अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग में नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि के 1,745 पद सृजित करने के संबंध में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में शिक्षक भर्ती होते थे उनको एक करके यहाँ पे मूल रूप से 85,470 वैकेंसी आने जा रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पद नाम विद्यालय अध्यापक 1 से 5 तक होंगे, इनका मूल वेतन 25,000 होगा और पदों की संख्या 85,477 हैं। वही दोस्तों विद्यालय अध्यापक 6 से 8 तक यहाँ पे 28,000 मूल वेतन रखे गए हैं और इनका जो पदों की संख्या है 1,745 है, यानी कुल देखें यहाँ पे तो 87,222 यहाँ पे वैकेंसी आने जा रहा है। वही दोस्तों शिक्षा विभाग यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासित कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व में उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 57,618 दोस्तों देख सकते हैं उच्च माध्यमिक यहाँ 57,618 सृजित पद एवं माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पे 33,186 पद सृजित पद को प्रत्यारोपित करके 11 से 12 तक अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग में नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 57,118 पद एवं 9 से 10 तक अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग में नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक 33,186 पद सृजित करने के संबंध में यहाँ पे घोषणा हो चुका है। वही दोस्तों यहाँ पे अगर लेवल यहाँ पे दोस्तों 11वीं और 12वीं तक के अध्यापक के लिए प्रारंभिक मूल वेतन 32,000 रखा गया है, पदों की संख्या 57,118 है, पदों की संख्या 57,618 है और विद्यालय अध्यापक 9 से 10 तक के यहाँ पे 31,000 मूल वेतन रखे गए हैं और यहाँ पे 33,186 पद है, कुल मिलाकर यहाँ पे 90,804 पद है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 90,000 और ऊपर में यहाँ पे 87,000 लगभग यहाँ पे दोस्तों 180,000 के आसपास में नए पद सृजित हो गए हैं। तो दोस्तों फाइनली रूप से यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे वेटिंग कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका बेसिक पे कब फिक्स होगा, उनको यहाँ पे फाइनल रूप से अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।